इसीलिए खाने के बहुत से आइटम होते हैं, फल है, फ्रूट है, जूस है, लेकिन किसी चीज में आपको अमृत लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसमें भी मिठाई है क्या? हाँ, ये सब मिठाई है। अच्छा, ये फूल है अभी तो कंटेनर। हाँ, सुबह हुई है, शुरुआत हुई है। अच्छा, लेवल की जो मैडम आई थी तो वो मेरा मट्ठा पी के गए, वो ये बोल कर गए कि ये शहर में नहीं, मैंने इंडिया में हर चीज़ खाई, लो क्वालिटी आपके पास है, ये नहीं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? मैं जैद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आए हुए हैं हुसैनाबाद के पास, हुसैनाबाद इमाम बाड़े के पास। सुबह 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 यहाँ पे छाछ मिलता है जो चचा जान बेचते हैं, और ये बड़ा ही फेमस है सुबह के वक्त। यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, बहुत से लोग यहाँ आते रहते हैं। यहाँ स्टेज पर एड्स दिवस का कोई प्रोग्राम होने वाला है ना, आज 1 दिसंबर है, तो एड्स दिवस का यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा अवेयरनेस से रिलेटेड। तो चलते हैं, सबसे पहले चचा के पास देख लेते हैं। उधर प्री वेडिंग शूट हो रहा है, प्री वेडिंग शूट यहाँ पे बहुत होता है अर्ली मॉर्निंग तो। लेकिन अभी देखते हैं, हम जो चचा के पास आए हैं, यहाँ पे छाछ मिलती है, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चचा, किस हिसाब से ये दे रहे हैं आप? ये हमारा मट्ठा जो है 50 रुपए लीटर है और 70 रुपए लीटर है। 50 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर। अच्छा अच्छा, ये हमारा मट्ठा देसी मट्ठा है। देसी मट्ठा है, अच्छा। पुराने ज़माने में जैसे मट्ठा बनता था, धीमी आँच में 12-13 घंटे दूध को पकाना, पका कर लाल करना, सुबह मथानी चला के मस्का निकालना, अच्छा, इस तरीके से बनाते हैं जैसे पहले पुराने ज़माने में जैसे बनाया जाता था। इसीलिए ये देसी मट्ठा, प्योर ओरिजिनल देसी मट्ठा आपको पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेगा। तमाम बेचारे जो सफ़ेद मट्ठा बेच रहे हैं वो सब सपरेटा है, आरा रोट है, डुप्लीकेट। सफ़ेद मट्ठा जो है वो आरा रोट और डुप्लीकेट, वो नुकसानदेह है उल्टा। उसमें कुछ नहीं, ये प्योर देसी मट्ठा है। अच्छा। ये हर मौके पे पेट के हाजमे के फायदे के लिए है। अच्छा। पेट के लिए इससे अच्छा कोई मट्ठा हो ही नहीं सकता। इसीलिए खाने के बहुत से आइटम होते हैं, फल है, फ्रूट है, जूस है, लेकिन किसी चीज़ में आपको अमृत लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मट्ठा एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हर जगह अमृत मट्ठा, अमृत मट्ठा। अमृत मट्ठे का मतलब ये है कि जब आपका पेट सही, कि समझिए सब कुछ सही, बीमारी सारी पेट से है, और ये मट्ठे का काम पेट को सही करना है, पेट को हाजमा दुरुस्त करना, पेट की सफाई अच्छी करना, इसलिए इसका नाम अमृत मट्ठा रखा है। अमृत मट्ठा, अच्छा जी। मुल्ला जी की पुरानी दुकान, ये अमृत मट्ठा रहता है। इसमें भी मिठाई है क्या? हाँ, ये सब मिठाई है। अच्छा, ये फूल है अभी तो कंटेनर। हाँ, सुबह हुई है, शुरुआत हुई है। अच्छा, कै बजे तक आप कर रहे थे? कै बजे से हम सुबह आ जाते हैं, आजकल 6 बजे के आसपास, और रुकते हैं 1 बजे तक। अच्छा, 1 बजे तक मिलता है? अच्छा, और हमारी कोई छुट्टी नहीं है, परमानेंट हमारी दुकान लगती है। अच्छा, 1 गिलास हमको भी निकाल के दे दिए। हाँ, हम भी तो पिए भाई, बहुत दोस्तों से तारीफ सुनी, बहुत से लोगों से, तो हम भी आज चेक करें कि ज़रा कैसा रहता है यहाँ से। अच्छा, कई गिलास हैं यहाँ, अलग अलग साइज़ भी हैं? गिलास एक है, क्वालिटी अलग अलग है। अच्छा। हाँ, एक सादा मट्ठा है। हाँ। जो 15 का गिलास है। हाँ। और उसी में पतला है 10 का गिलास है, और एक मट्ठा हमारा सजाव दही मिला हुआ होता है। हाँ। वो है 25 रुपए गिलास, उसमें फुल फैट से भी फैट ज़्यादा होती है। हाँ। जो हम आपको पिलाने जा रहे हैं। हाँ, यही वाला हमको, ये हम यही कहने भी जा रहे थे ये। अच्छा,
ये जो है ये स्पेशल है, कुछ यहाँ का जो दही मिली है और थिकनेस है, और ये जो ये गिलास है ये 25 रुपये का है। सारे गिलास के साइज़ सेम, सारे गिलास के साइज़ सेम है, बस ये जो है बहुत बेहतरीन। बहुत बढ़िया, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है जो चबाने में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे होंठ कैसे लग रहे हैं मुझे पता नहीं, सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा। इसमें काफ़ी दही है और मलाई है, बहुत सारी, बहुत मलाई है। इसके अलावा शायद थोड़ा बहुत मेवा भी पड़ा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे और लोग चले गए वरना और लोगों से भी पूछते उन्हें कैसा लगता है यहाँ का मटका। और इनकी दुकान के बगल में एक दुकान और लगी है, एक नज़र रोटी देख लीजिए और वहाँ पे क्या मिलता है। इसे फिनिश करने के बाद मिलता है। अब डस्टबिन निपोली दिखाएंगे। जी चचा, मट्ठा कैसा लगा? मट्ठा हमें आपका बहुत अच्छा लगा, और प्लस इसके अंदर मलाई वगैरह काफ़ी पड़ी हुई थी, और शायद मेवे वगैरह भी है कुछ, नहीं, 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 लेकिन कुछ नहीं, नहीं, अलग से ये, पता चल रहा ये मलाई होती है ऊपर की। अच्छा, मेन ये सजाव दही होता है। अच्छा, ये हम देते हैं 250 रुपये किलो खाने के लिए लाल दही, इससे अच्छा कोई दही नहीं होता। इसी दही को मट्ठे में मिला करके हम देते हैं 25 रुपये किलो। इसी दही को मट्ठे में मिला के मट्ठे के साथ पीने वाला बनाते हैं, ये खाने के लिए। अच्छा, ये खाने के लिए, खाने के लिए है, खाने में डाल के खाने। अच्छा, इसका कोई जोन नहीं, इसका कोई जवाब, इससे अच्छा कोई दही नहीं। यानी जैसे कोई डिश बना रहे उसमें ये डाल दे, कोई स्वीट डिश भी है अगर, मिठाई उठाई, ये डायरेक्ट खाने के लिए। अच्छा, डायरेक्ट खाने के लिए, रोटी से खाया, दही खाया जाता है। हाँ, समझ गए, ये दही है, अलग दही है, लाल दही है। तो ये किस हिसाब देते हैं आप? ये 120 का लीटर, ये दही, ये 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 250 का। अच्छा अच्छा अच्छा, मट्ठा वाकई सीरियसली बहुत ज़्यादा लाजवाब है। अब इनका पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट शॉप कोई सी यहाँ पे आता है। साथ में पास ही में एक शॉप और लगी हुई है, वो भी मट्ठा बेचते हैं, मैंने सोचा इनका भी मट्ठा ट्राई करूँ और बताऊँ आप लोगों को कैसा है। आइए एक बार इनसे चचा से मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम चचा आपका? मेरा नाम मुमताज अली, चचा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, चचा के नाम से जाने जाते हैं, रूमी गेट। 13 साल हो गए, 14 साल। अच्छा, 14 साल है, 13 साल हो गए हैं। अच्छा, छोटी दुकान है, सब अपने हाथ का काम है, सब आपके अपने हाथ का ही काम है। ये सब है, ये है मट्ठा, है मट्ठे की मलाई है। हाँ, ये सब ये मट्ठे की मलाई, मट्ठे की मलाई, दही के ऊपर की मलाई, दही घी वाला, इसको मत के घी निकलता है मट्ठा, इसको मट्ठा बनता है। छोटा ही काम है मेरा, सब अपने हाथ। अच्छा अच्छा, इसका गिलास जो होता है ये 10 वाला है, ये थोड़ा पतला है। अच्छा, ये थोड़ा सा पतला है, ये 10 रुपये वाला है, गाढ़ा है। हाँ, छोटा काम है, ये 15 का है। हाँ, अच्छा, इसी में मलाई डाल के जो ये बनाते हैं। हाँ, ये 25 का। अच्छा, फिर ये 25 रुपये का है। अच्छा, और ये तो, और ये अच्छा, ये 25 वाला है। हाँ, ये इस गिलास में, इसमें बनाएंगे तो 15 वाला, गाढ़ा वाला, ये पतला है तो ये 10 का। अच्छा, एक 15 का है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब छोटा काम, अपने हाथ का काम, आपके हाथ का ही काम, अपने आप ही बनाते सारा काम करते हैं। अलहमदुलिल्लाह, आप ठीक करते हैं, आप एक गिलास हमको भी बना दिए, आप कभी हम ट्राई कर लें, दिक्कत नहीं। भैया ये आ गया है एक गिलास और मट्ठा मैं पीने वाला हूँ, सुबह सुबह ठंडक में दही, ठंडक में सुबह सुबह दही पीना कोई नुकसान तो नहीं होता? बगैर बर्फ का होता है ये, 14 घंटे पका होता है, 14 घंटे ये भट्टी पे पकता है, ये मट्ठे 14 घंटे ये पकाते हैं भट्टी पे। अच्छा, गिलास को डिस्पोजल को फेंकेंगे,
उसमें खाली उसमें घी निकले, क्योंकि ये ओरिजिनल मट्ठा देसी जो होगा तो जल में घी रहता है, ये ओरिजिनल। अच्छा, इसमें घी का असर रहेगा क्योंकि ये ओरिजिनल है, तो इस गिलास में निकला हुआ घी का असर है। अच्छा, बगैर घी निकला हुआ ये अच्छा। अच्छा, तो इसको भी ट्राई करते हैं एक बार, पीते हैं ज़रा ये कैसा है। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बेहतरीन है। और ये मसाले किस तरह के रखे हुए हैं? ये मसाले इसलिए कि जैसे आप पार्सल लेते हैं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, फौरन पैक किया और ये मसाला डाल दिया, एक लीटर पे एक जाता है, कोई आया आधा लीटर लिया, एक लीटर लिया तो फौरन उसको इसी पैकिंग में डाल दिया। ये बनाने में समय लगता है, भीड़ लगी। अच्छा, बनाने में वक्त लगता है, इस वजह से बना हुआ रखा रहता है, पैकिंग डाल दिया। अच्छा, ये पूरा ये वाला मसाला है? जी जी जी। अच्छा, इसी का जो 250 रुपये किलो उसकी मलाई बेचते हैं, 250 रुपये किलो मलाई है ये, दही मलाई घी बगैर पका हुआ जो आपको मिला रहे हैं, ये खाने के लिए होती थी। अब लोग कहने लगे डाल के बनाओ तो डाल के बनाने लगे, 25 तक ये खाने के लिए कैसे होती है, ऐसी डायरेक्ट रोटी से खाएं? ये आप इसको गुड़ डाल के थोड़ा सा धोने में, धोना नहीं, मैं खिलाता ज़रूर आप, ये चैलेंज के साथ खिलाता कि पूरे शहर में अगर ये क्वालिटी मिल जाए मैं इसका 1 रुपया नहीं लूँगा, रास्ते का किराया दूँगा। अच्छा, सब अपने हाथ का काम, लेकिन मजबूरी, आज कोई चने वाला लगाए नहीं है, कोई धोना नहीं, मैं खिलाऊं तो खिलाऊं। अच्छा, अभी देखिए हम इसको अभी ट्राई करते हैं किसी तरीके से, हम इसी में ट्राई कर लेंगे। नहीं, रुक जाइए, हम इसको ये फिनिश करते हैं, तो इसके बाद इसी के अंदर ये दही जो है चचा का, इसको ट्राई कराऊंगा। लेवल की जो मैडम आई थी तो वो मेरा मट्ठा पी के गए, वो ये बोल कर गए कि ये शहर में नहीं, मैंने इंडिया में हर चीज़ खाई, लो क्वालिटी आपके पास है, ये नहीं। हाँ, इसमें देखिए घी घी सा साइडों में दिख रहा, कैमरा में पता नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, साइड में आ रहा है, और मैं थोड़ा सी मलाई छूट गई मेरी अंदर ही, बड़ा अफसोस की बात होती जब मलाई थोड़ी सी रह जाती है। अब ये मलाई अलग से चच्चा हमें देने वाले हैं, आज धोना नहीं है ना इन्हें मिल पाया, तो इसी में हम लेके बहुत थोड़ी सी ही दिएगा ताकि हम इसे ट्राई करें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 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 बस, और इसे हम ऐसे ही अपने डायरेक्ट ही ट्राई करते हैं। ये आ रहा है किसी आने, ये मलाई है जी, ये बहुत अच्छी लग रही है, और मतलब ये मलाई दही टाइप लग रही है, काफ़ी अलग ही स्वीटनेस है इस मलाई की, काफ़ी ठीक है, और एक अलग ही रंगत है, यूनिक सी, मतलब देखें अगर दिखाई दे रहा हो इसमें सही से, फोकस हो जा, फोकस नहीं होता है सारा ये फोकस, मलाई इसमें थोड़ा सा डाल देनी वरना वो मलाई चिपकी रहे। इसको नचा के पी लीजिएगा। बस बस बस, इसको नचा के। चचा ने हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और दे दिया है, इसको और पी लेते हैं, मलाई चिपकी रहेगी ना। भैया स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है, साफ सफाई, साफ सफाई होनी चाहिए। तो इस ब्लॉग में नई दोनों शॉप हमने देख लिए हैं, उसका भी मट्ठा हमने ट्राई किया, दूसरे चच्चा जो है मुल्ला जी के नाम से जो है, और एक ये चच्चा है इनके नाम से इनका है, दोनों देसी मट्ठा है, और सच बताऊँ दोनों एक इक्वल लेवल पे बहुत टेस्टी लगे मुझे, बहुत ज़बरदस्त। शॉप्स आप देख रहे होंगे, अब मैं ऐसे दिखा देता हूँ, गुब्बारे वाला तो हमारा आज है। एक शॉप वो है, एक शॉप ये है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग है शॉप, और टेस्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है, चाहे आप इधर ट्राई करो चाहे इधर ट्राई करो, मैं क्या बताऊँ, कोई 19-20 नहीं है, मुझे तो नहीं लगा कोई 19-20 जैसा कुछ। हाँ, ये कि मलाई बहुत ज़बरदस्त है, मलाई जो कि हमने चच्चा की खाई, चच्चा ने जो मलाई दी थी बना के वो बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, और यहाँ कभी सुबह आना हो तो ये मट्ठा ज़रूर ट्राई करें आप लोग। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।